जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है, ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव के नंद की। एक बात बताएं क्या? अच्छी बात है, बोले नहीं है? बताओ, सबसे बड़ा झूठ क्या है संसार का? बोलो, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे, बड़ा पापा का पैसा खर्चा किया, बताओ बताओ, सबसे बड़ा झूठ क्या है संसार में? तुमने तो इतना खर्चा नहीं किया ना पापा का पढ़ने में, तो बस अभी बैठो चल। जिन्होंने खर्चा किया उनसे पूछ रहा हूं, सब मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने अपने पापा का पैसा खर्च किया ही नहीं है पढ़ाई में। मैंने अपने पापा का पैसा खर्चा नहीं किया पढ़ाई में, मैं ही बता देता हूं, बताऊं? सबसे बड़ा झूठ है संसार का तुम्हारा जीवन। तुम्हारा जीवन सबसे बड़ा झूठ है, और सबसे बड़ा सत्य तुम्हारी मृत्यु। जिस सत्य को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वही सबसे बड़ा सत्य है, और जिसको हम एक्सेप्ट किए बैठे हैं जीवन, वो सबसे बड़ा झूठ है, फरेब है। मैं एक शेर है अर्ज कर रहा हूं, अच्छा लगे तो बुरा मत मानिएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मैं मौत महबूबा है तेरी साथ लेके जाएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, जब मन कर रहा था तो ढंग से पीट लेते हाथों को। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है तेरी साथ लेके। ये मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु प्राण राम ध्रुव, इस मृत्यु को कोई ठुकरा नहीं सकता, झुठला नहीं सकता, इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मृत्यु तो होगी ही। तो कंस से वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम हमारे बच्चे ले लो, लेकिन देवकी को मत मारो, स्त्री वध सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, और हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मृत्यु प्राण नाम ध्रुव, स्त्री को मत मारो। बोले ठीक है। तो कारागार में देवकी वसुदेव को रहना पड़ा, और ये किसी और की कथा नहीं, ये कृष्ण के माता पिता की कथा है, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं, जो कि भगवान है, ये उनके माता पिता की। हमारा सर दर्द हो जाए, बच्चे को परेशानी हो जाए, छोटी छोटी चीजें हो जाए, हम लोग कहते हैं इतना दुख हमारी भाग्य में लिखा था। अभी तो भगवान के माता पिता के भाग्य के विषय में आप क्या कहोगे? जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला भगवान का, उनके 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया गया, क्या कहेंगे उस दुख को? क्या इस दुख की कोई बराबरी कर सकेगा? जन्म लेते ही 6 बच्चों को मार दिया गया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार से बलराम जी महाराज, योग माया के प्रभाव से उनको जो है गोकुल पहुंचा दिया गया, रोहिणी जी के गर्भ में। वहां वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, उनको 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार से बलराम जी महाराज की प्राप्ति हुई। और अब 8वें की बारी है, किसकी बारी है? किनकी किनकी? कन्हैया की बारी है। सर ढक लें, और सर ढक कर दोनों हाथ जोड़ें, और भगवान की स्तुति करें, दोनों हाथ जोड़ लें, ढक लें सभी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम जसदे सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देवताओं ने यहां पर 9 बार सत्य सत्य कहकर पुकारा है,
हे भगवान आप प्रकट हो जाओ, हे भगवान गोविंद प्रकट हो जाओ, कंस के अत्याचारों से हम भय खाए हैं, घबराए हैं। तब भगवान शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में भगवान कारागार में अवतारित होते हैं। कंस ने पहरा और सख्त कर दिया। अब तक 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे, अब 4,000 पहरेदार और बढ़ा दिए, टोटल 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं कारागार की। और भगवान जब आए तो उस कारागार में अद्भुत प्रकाश हुआ, शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में मेरे प्रभु प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ने जन्म लेते कहा भैया हे तात, तुमने जो पूर्व जन्म में तपस्या की थी उसका फल है कि हम तुम्हारे पुत्राकर बने हैं, लेकिन अब तुम हमें गोकुल पहुंचा दो, वहां देवकी आप देवकी माँ मुझे गोकुल पहुंचाएं, पिताजी वसुदेव जी आप वहां, यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है, कन्या ला के कंस को दे दो, और उससे मेरा नाम मत लेना भी, थोड़ा माखन खाने दीजिए, थोड़ी पावर आने दीजिए, और एक दिन आके हम कंस को गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। तब मेरे प्रभु से वसुदेव जी कहते प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बीड़ी, नार में तो मैं कैसे आपको गोकुल ले जा सकता हूँ, मेरे इतनी कारागार में हूँ, मैं कैसे आऊँ। भगवान कहते हैं जब हम बाल रूप धारण करेंगे, आप हमें अपने सर पे विराजमान कराएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, और जब कन्या को लेके आएंगे तो सारे बंधन बंध जाएंगे। याद रखिए जीवन में जब भी ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और जब माया हमारे जीवन में आती है तो बंधन बंध जाते हैं। बंधन खुले ये प्रयास जीवन भर होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हमारे मध्य में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में हमारा गोविंद इन्वॉल्व हो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण हमारे मध्य में पधार रहे हैं, उससे पहले मैं एक संदेश आपको दे दूं। 1 तारीख को ब्रज की होली और देश की भक्ति एक साथ हम लोग यहाँ करेंगे, और एक विशाल काय रैली यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपने शहीद फौजी भाइयों के समर्थन में। कौन कौन उस रैली में आएगा नीचे करो, जो नहीं आएंगे वो हाथ उठाना। सिर्फ कितने, एक ही हाथ उठाए, क्यों भाई क्यों नहीं आओगे, बाबा बिजी हो उस दिन। चलो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं कम से कम 50-50 लोगों को इन्फॉर्म करें आप। मैं चाहता हूं कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग उस दिन पाकिस्तान को मैसेज भेजे नागपुर से, कौन कौन मेरे विचारों को आगे बढ़ाएगा, कौन कौन लोगों को बताएगा। अभी हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन में अगर हम इसे डिवाइड करें, 15 लोग रोज बोलें, 16 लोगों को रोज बोलें अलग अलग, उन्हीं को ना बोलते रहे, आप जिस एज के हैं उन्हीं एज के लोगों को आप बोलिए, और 15-16-17 लोगों को एवरीडे बोलिए, जिससे हम उस दिन उनको बता सकें कि हम नागपुर से एक बहुत विशाल रैली निकालेंगे पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि अब तेरी जाति है बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको इस भारत माता के सम्मान में बड़े से बड़े कदम उठाने चाहिए, आप और हम भी अपनी सरकार को कहें कि जितना कठोर कदम हो सकता उठाइए, हम आपके साथ हैं। कौन कौन मेरे साथ है? धन्यवाद। आइए अब भगवान कन्हैया का, उस दिन होली भी होगी, समय थोड़ा चेंज होगा, 1-1.5 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 4:15-4 बजे करीब वो यात्रा निकलेगी, तो आप सब 1 बजे से ही यहाँ उपस्थित रहें। अभी आइए कन्हैया हमारे मध्य में आ रहे हैं, कन्हैया का दर्शन करें, कोई भी पीछे तक खड़ा नहीं होगा, बैठकर, सर ढका हुआ है ना, सर ढको, बैठ जाएं, सर ढककर अपने अपने स्थान पर, और ताली बजाकर मेरे कन्हैया का स्वागत करें।
जमुना अचक चढ़े आई जमुना आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना श्री राम किसको कन्हैया की फैमिली में सम्मिलित होना है एमी कौन कौन इन्वॉल्व होगा आज कन्हैया के परिवार में पक्का होना है कि वैसे ही बोल रहे हो तो आज तब तक नहीं जाना है जब तक कम से कम 12 न बज जाए और सिर्फ यहीं पर नृत्य करते रहना है 12 तो नहीं पर हां थोड़ा सा आनंद लेंगे आज ठाकुर जी की बधाई में यही समझे कि कन्हैया हमारे घर में आए हैं इस भाव से कन्हैया की बधाई में सम्मिलित होंगे कि गोविंद मेरे घर में आए तो आपको कैसी उनका स्वागत करना है ये आप देखिए अगर कन्हैया आपके घर में आए भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है भाव से हमको भजो तो भाव से बेड़ा तो आइए हम पहले कन्हैया का स्वागत करें और इसके बाद में फिर हम कन्हैया की बधाई में सम्मिलित होंगे बोलो राधे राधे सभी कीर्तन करेंगे कोई भी खड़ा नहीं होगा वार्तालाप कोई न करें गोविंद गाले रे गोपाल गाले 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 करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले जीवन की नैया प्रभु के हवाले करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले गोविंद गाले रे गोपाल गाले गोविंद गाले रे गोपाल गाले गोविंद गाले कोई मौन न रहे
कोई वार्तालाप न करे, सिर्फ सेवा करें और नाम जपते रहे। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं, अगर नाम जपेंगे तो आप करोड़पति तो बन ही जाएंगे, गारंटी है मेरी। नाम धन इकट्ठा हो जाएगा। सब मिलकर गाइए, गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले रे गोपाल गाले। करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले, करो जीवन की नैया प्रभु के हवाले, गोविंद गाले।
अपने अपने स्थान पे। सभी खड़े हो जाएं और जो आप लोग यहां हैं सामने चले जाएं, मंच वाले लोग सामने जाएं नृत्य करने के लिए, सब वहां इधर से उतर जाएं, उधर से उतर जाएं, दोनों तरफ से, उधर से आगे से मैं, और जो सोफों पे बैठे कुर्सियों पे बैठे सब खड़े हो जाओ और कन्हैया का स्वागत करो। भाई लोग ध्यान रखें, माता बहन जिधर नृत्य कर रही हैं आप उधर न करें, एक तरफ माता बहन एक तरफ भाई, ठीक है? सभी लोग झूमेंगे जी। मिस कर दिया तो कहां मिलेगा ये आनंद? जम के जरा जोर से राधे आनंद भयो। एक है
महिमा जो कन्हैया के उस समय सब झूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बदकिस्मत भी शायद गलती से आ गए, वो सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये डिस्को वाला डांस नहीं है मेरे प्यारे, जहां एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचोगे, ये तो मेरे कन्हैया के आनंद का नृत्य है, यहाँ एक तेरा हाथ और एक मेरे कन्हैया का साथ है और आनंद ही आनंद है। भक्ति का रंग दिखना चाहिए पूरे पंडाल में, ऐसे करो ना, सर नहीं ढकना, ऐसे हो। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी, पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी बनके जोगनिया। किसकी ऐसे थोड़ी हो, ऊपर ही रखो, आना चाहिए पूरा, बनके जोगनिया
लेफ्ट राइट लेफ्ट, पहले किधर जाएगा, देन देन आई टीच यू हाउ टू डांस इन दिस भजन. ओके नाउ स्टार्ट, आर यू रेडी एवरीवन. भाई लोग भी ऊपर कर ले अपनी चुनरी, नहीं है तो कुछ तो लाए होगे वही करो, नहीं तो ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया 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 दिया. इसी में तो करना था, वन टू थ्री लेफ्ट राइट लेफ्ट. बनके जो गनिया जो बनिया बनके जो गनिया गाना के प्रधान बन जाओगे, बनके जो गनिया गाना के प्रधान बन जाओगे. ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुम गोर जाओगे, बनके जो गनिया से मिलना चाहते हैं और हम लोग आनंद ले रहे हैं, वो सोफे पे बैठ गए. वाह जी वाह, बहुत अच्छे. भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान इतना भला करे कि सोफा नीचे से टूट जाए, जब आप गिर जाए तो फिर जुड़ जाए, टेंट वाले का नुकसान ना हो. अरे जो बुजुर्ग भी हैं खड़े तो हो ही सकते हैं ना, इतनी देर बैठे बैठे पेट नहीं भरा, खड़े हो जाओ सब, कुछ नहीं वैसे नहीं खड़े हो सकते तो सोफा पकड़ के ही खड़े हो जाओ. इस सोफे को भी नृत्य करने दो, इसे सांस लेने दो, इसका भी दम घुट रहा है इतनी देर से. दोनों हाथ ऊपर करिए,
जाना है कि आनंद लेना है? किस किस को घर जाना है? जाना है? ये भजन जवानों के लिए गा रहा हूं, जो जो जवान हो पता था, आपको पता होना चाहिए आप जवान हो, राइट? मालूम है कौन कौन जवान है, क्या करना है मालूम है? नाम रस, जब मैं ये बोलूं नाम रस तो हर जवान को क्या करना है, जोर से नाम रस। कई लोग बूढ़े भी आ गए नहीं, ऊंचा नाम रस हो। अरे राम 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 राम, और ऊंचा नाम रस हो, नाम रस हो, नाम रस भी सो करो। नाम रस हो, नाम रस हो। भाई लोग तुमसे ज्यादा अच्छी तो माताएं नृत्य कर रही हैं। तुम्हारी जवानी कहूं पानी फेरे आए होगा, या जय मार कहें तू फिल्म फिल्म कम देखा करो। राव जा नाम रस हो, दिखा के रखेंगे नाम रस हो, नाम रस हो, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ओ नाम देव रस पिया अमोल, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बनाए ली काया भैया रे, सफल बनाए ली काया।
आप लोग आलसी लोग इधर आ जाओ, सब आलसी इधर आ जाओ। ए तुम लोग आ गया, तुम्हें देख देख के ही मुझे जोश आ रहा, इधर आओ आगे। तुम लोग इधर चलो सब, जो लोग हिल नहीं रहे वो साइड में हो जाओ, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको करने दो। चलो थोड़ा और खिसको इधर, अरे जल्दी इधर आओ ना, समय नहीं है। अच्छा ज्यादा नहीं, पहले मैं गाऊंगा, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ठीक। आप लोग इधर आओ थोड़ा सा और। हाँ जी, जय हरि विठ्ठला। इन बच्चों से सीखो भगवान के आगे कैसे नाचना चाहिए। और धिक्कार है उनके लिए जो मूवी के गानों पे तो डांस करने में जिन्हें शर्म नहीं आती, और जब यहां भजन पे नृत्य करना पड़े तो उनकी नानी कहां चली जाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, दोनों हाथ उड़ा के मस्ती में झूमिए प्यारे राधे। जवानी में भक्ति कर लो, बुढ़ापे में तो मेरे प्यारे विठ्ठल इनका देखो और अपना देखो, जो बुजुर्ग हो गए उनका विठ्ठल प्यारा। तुम्हारी कसम, जो लोग हो गए ना सीनियर उनका विठ्ठल कितना प्यारा है, जी तो बड़ी जो मेरे प्यार इनका ऐसा, और इनका मेरे प्यार। और कईयों का तो ये भी नहीं है, कई तो बैठे बैठे, कई होगा तो विठ्ठल ये सोच रहा मैं इसका कैसे हो सकता हूं, खुद का ही होश नहीं है इसे। खड़े हो जाइए सोफे वाले सभी लोग, हे भगवान करे। मेरे प्यारे Yeah.
जिन्हें जाना था वो चले गए, रह गए किस्मत वाले। जिन्हें माया में जाने की जल्दी होती है, कन्हैया कहाँ मिल पाते हैं। अब बताइए, 3-4 घंटे से कथा कर कौन रहा है, गा कौन रहा है, थक कौन गया? बोला हम अगर थक गए तो फिर भजन कौन गा रहा है? तुम्हारा कौन गा रहा है? बोले हम भजन गा रहा है हमारा आप है? तो हम फिर थके कहां? अगर हम थके होते तो भजन काहे गाते। लेकिन ये कहना है मुझे आप सबसे, जो लोग मेरे कन्हैया की बधाई में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मेरा ठाकुर कृपा करे आप जीवन पर्यंत यूं ही नाचते झूमते गाते रहें, आप यूं ही आनंद लेते रहें, आप यूं ही। क्योंकि जो कन्हैया के प्यारे होते हैं उन्हें अमंगल आकर कभी घेर नहीं सकता है। राधे। अच्छा चलो बताओ एक बात, YouTube पे कौन कौन सब्सक्राइबर है हमारा? हो रखे हैं? फिर अब किससे कहूं कि तुम हो जाओ? चलो जो नहीं हो रखे वो हो जाएं, और जो सब्सक्राइब हो रखे हैं वो अभी अपना अपना फोन निकालें, निकालिए प्लीज। और अभी ये जो कथा लाइव चल रही है इसे आप देखें, और आगे कहीं ना कहीं 2-4 जो आपके दुश्मन हों, जो पापी हों, उनको शेयर कर दें, जिससे उनका कल्याण हो जाए। देखिए अभी कल भी गाएंगे, परसों भी गाएंगे। मतलब तुम मुझे, अरे कहीं ऐसा तो नहीं तुम धमका रहे हो कि नहीं गाया तो अगली बार नहीं आने देंगे? क्या 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 सुनना चाहते हो? ओए काली कमली वाला गाएंगे? काली कम वाला मेरा यार है, अब बजाइए। श्याम सलोने, श्याम सलोने, श्याम सलोने।
सोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, काले कमले क्या बज रहा था और आप क्या कर रहे थे, वैसे करो ना जैसे मैं। नागिन आ गई पंडाल में, हद्दी हो गई इतनी नागिन एक जगह पे। तुमसे जन्म जन्म की यारी, मन में बस गई बांके बिहारी, मन में बस गई बांके बिहारी, मन में बस गई बांके बिहारी, ओ तुमसे किस किस को यारी करनी है कन्हैया की, किस किस को करनी है कन्हैया से यारी, दोनों हाथ उठा के मस्ती में बोलिए। तुमसे जन्म जन्म की यारी, मन में बस गए बांके बिहारी, 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 श्याम सलोने श्याम सलोने, तुमसे ही हमको तो काना प्यार है, उसी को बधाई देंगे जो सबसे अच्छा नृत्य करेगा घूंघट करके, घूंघट करके ऐसे नहीं बजाई, घूंघट घूंघट सबका होना चाहिए, बिना घूंघट के जो नृत्य करेगा उसे बधाई नहीं मिलेगी। हाँ रंग रंगीलो सावरो, रंग रंगीलो सावरो,
पहुंचे वही दोनों आदू पर मार्ग में मिलो नंदलाल का करो सजनी तारे को मार्ग में मिलो नंदलाल का करो सजनी तारे को ओ ओ ओ ओ आ आ ओ दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, प्रसाद है। जिनको मिल गया वो ज्यादा कोशिश मत कीजिए, ठीक। तो जिनको मिल गया है वो दूसरों को शेयर कर दें, और जिनको नहीं मिला है वो थोड़े पीछे हो जाए। और पीछे हुई नंद के आनंद बोलेंगे राधे राधे।